हमको भी ये पता है और आपको भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो लोग हाइडिंग में जाएंगे और वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कई और तरीके ढूंढेंगे, जो वो कर रहे हैं हाइडिंग में, वो गए हैं हायर रीचेस पे, कई जगह खबर है कि वो चले गए हैं टाउन्स में, जैसे पहले बिल्ट अप एरियाज में बड़ा फ्रीली घूमते थे, अब वो उनका घूमना बंद हो गया है। एंड जो दूसरी बात यह है कि उन्होंने स्पेस दी है फॉरेन मिलिटेंट्स को, चाहे वो जैश के हैं, जिस तरह आपने सुना होगा एक दो ग्रुप जैश के ऑपरेट अभी भी कर रहे हैं, जो तीन मारे गए उस पुलवामा एनकाउंटर में, उसके बाद भी कोई दो ग्रुप की इतला है कि साउथ कश्मीर में और फ्रिंजेस ऑफ कहीं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के फ्रिंजेस में भी इतला है कि यहाँ पे हैं वो। दैट इज़ वाई कल से मैं सुन रहा हूँ हर कोई कह रहा है हाई अलर्ट हो गया, ये अलर्ट हो गया, वो वैसा तो कुछ है नहीं। हाई अलर्ट क्या मतलब होता है आपका, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि आफ्टर पुलवामा इंसिडेंट वी वर सपोज टू कॉशन अवर पीपल, अलर्ट अवर पीपल कि इस जिस तरह ये अटैक हुआ है उसके बाद हम सबको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, अलर्टनेस लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। और ह्यूमन बॉडी, चाहे मैं हूँ, मेरे अफसर हैं, मेरे जवान हैं, ह्यूमन बॉडी है, कुछ देर के बाद वो थोड़ा स्लम्बर में, कैजुअल अप्रोच में आ जाती है, तो इसलिए वक्तन फवक्तन अपने जवान को, अपने अफसरों को अलर्ट करना, कॉशन करना जरूरी है, एंड इट इज ए पार्ट ऑफ अवर ड्रिल। क्या पुलिस को कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो सकती है, जब ये खास सीन बंद कर दिए, चेंज कर दी हुई है फॉरेन? देखिए ऐसा है, 1990 से हम लोग मिलिटेंसी, 1990 से हम लोग मिलिटेंसी फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। एक फेज वो भी था जब मोबाइल नहीं थे, तब भी मिलिटेंट न्यूट्रलाइज होते थे। एक फेज ये है कि मोबाइल है, तब भी मिल्टन न्यूट्रलाइज हुए, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, काम रुकता नहीं है, एक चीज बंद होती है दूसरी शुरू हो जाती है, सो वी आर वर्किंग ऑन इट। एक चीज मैं आपको बताऊं ऑन द लाइटर साइड ऑफ इट, जब हमने पिछले ईद पे इंस्ट्रक्शन दी अपने जवानों को कि ईद पे अपना ध्यान रखें बिकॉज साफ टारगेट ना बने, तो उसमें कई आप मीडिया वालों ने कहा हो अब तो ईद की नमाज भी बंद कर दी, याद होगा आपको, जबकि ऐसा नहीं था। आज आप खुद कह रहे हैं वही चीज, वो ऐसा है। एज ए हेड ऑफ द हेड ऑफ कश्मीर जोन पुलिस, मेरा फर्ज बनता है अपने अफसरों को, अपने जवानों को कॉशन करता रहूँ, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रहूँ। सिर्फ सिक्योरिटी का ख्याल ये नहीं होता है उनको बीपी गाड़ी दे दी या उनको बीपी आर्मोरर दे दिया या उनको बीपी जैकेट दे दी, सिक्योरिटी का ये भी एक कंसिडरेशन है कि मैं उनको टाइम टू टाइम अलर्ट करता रहूँ। तो ये जो आप कह रहे हैं ये भी एक अलर्टनेस का ही तरीका है, उनको ये कहना कि अपना ख्याल रखें, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां पे दे कैन बी सॉफ्ट टारगेट्स, इट इज़ दैट सिंपल। एज नहीं, आप मुझे बताएं वो ऑथेंटिक है वीडियो के, आपने उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की? सर वीडियो तो है। नहीं नहीं, वीडियो तो कुछ भी हो सकता है, आपके कैमरे हटा के ग्रुप बता देंगे, बंदूक हाथ में दिखा के फोटो लगा देंगे, फिर हम मिलिटेंट हो गए सारे क्या? सो वी हैव टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वीडियोज, इट इज़ नॉट दैट एवरी वीडियो इज ऑथेंटिक। मैंने तो ना वो देखा है, मैं आपकी जबान से सुन रहा हूँ, ना मुझे उसकी एथेंसिटी पता है, इसलिए मैं कमेंट करूंगा न्यूज़ पे।